हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय आईवीएफ जर्नी पर। आज जो है मैं राम श्याम को दूसरे पार्क में लेके आई हूँ और देखिए ये जो है यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं पूरा। ये देखिए आपको देखो, ये पूरा इंजॉय कर रहा है क्योंकि वहाँ तो घर पे अंदर बंद रहता है, तो यहाँ पर ये इंजॉय कर रहा है। वो दूसरे वाला वो बैठा हुआ है शाम, ये देखो ये अपना घास को उखाड़ने लगा हुआ है। मेरा ब्रदर है, उसे लेके घुमा रहा है, उसे पूरा शौक आ रहा है शाम को घूमने का। और राम जो है वो मेरी गोदी में, पहले मैं उसे घुमा रही थी। तो यहाँ पर ये जो है एरिया खुला खुला एरिया है, देख सकते हो आप, सारी जगह जो है स्विंग्स वगैरह हैं, छोटे छोटे बच्चे। एक छोटा सा बच्चा मिला मुझे, वो बोल रहे थे कि बहुत क्यूट क्यूट है ये दोनों। और फिर एक आंटी भी मिले, एक आंटी जो है वो पूछ रहे थे कि ये जुड़वा है, ये जुड़वा लग रहे हैं। तो वो पूछ रहे थे कि 10 साल बाद, मैंने उनको बताया कि हुए हैं, तो आंटी जो है बताने लग गए कि जो है भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती है, ज़रूर जो है वो एक ना एक दिन बस सब्र रखना चाहिए, और जो है सब्र का फल ज़रूर मीठा होता है, और भगवान ने सब्र का फल इतना मीठा दिया है। तो बस उनका कहना था कि ज़रूर जो है अपने भगवान पर विश्वास रखिए। तो मैं आप सबके साथ भी यही कहती हूँ कि भगवान पर विश्वास रखिए। मैंने भी बहुत 10 साल तक बहुत ज़्यादा जो है वो सहा है, बहुत का कुछ जो है फील किया है, लेकिन जो है भगवान ने दे दिए और यही बहुत बड़ी बात होती है। और फिर उसके बाद जो है कुछ भी करके, ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए कि औरों के साथ ऐसा नहीं होता, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन नहीं, भगवान ज़रूर सुनते हैं और आपके भी ज़रूर सुनेंगे। तो ये राम शाम को, राम को तो मैं मम्मी के पास घर पे छोड़ गई थी, शाम को जो है मैं अपने साथ मॉल में ले गई थी। ये मॉल पहली बार ही गया था, तो वहाँ पर ट्रॉली थी, उठाना बच्चे को अब जितना जितना बड़ा होता जाता है ना तो मुश्किल हो जाता है, तो हमने इसको जो है इसमें बिठा लिया था, लेकिन ये इसमें भी टिक नहीं रहा था, इतना शैतान है ना ये, सच में आप सब कहते हैं कि ये बिल्कुल शाम जैसा है। तो फिर बस उसके बाद मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद जो है क्या हुआ था, जैसे शाम को थोड़ी सी चोट लगी थी तो राम को भी थोड़ी सी लग गई थी, तो बस फिर ये जो हेलमेट लेकर आई थी मैं, ये लगाते हुए रो जरूर रहा था, लेकिन इनकी सेफ्टी के लिए इस हेलमेट का क्या बेनिफिट है, इस मैं अभी तो इसको लेकर आई हूँ और इसको यूज़ करने के बाद ही मैं इसका रिव्यू जो है आपको ज़रूर करूँगी। ये जो है बच्चे की सेफ्टी के लिए है, ये 6 मंथ से लेकर आप जो है इसको 12 मंथ प्लस से लेकर कभी भी इसको 5 साल तक जो है यूज़ कर सकते हैं, जहाँ तक उन्होंने मुझे बताया। तो इसमें क्या होगा, ये लेफ़्ट राइट सीधा गिरेगा, तो इसके लिए इसको क्या होगा कि इसको चोट नहीं लगेगी। आप पीछे की जो वॉइस है प्लीज़ उसे थोड़ा सा अवॉइड करना, तो इससे इसको चोट नहीं लगेगी। यहाँ पर भी देखिए हमने पूरा वैसा ही बना दिया है जैसा आपने घर पे बना रखा था, और मैंने इनके लिए दलिया रखा हुआ है, पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है। तो बस बच्चों का जो है आप हालत देख सकते हैं, बस इनको अभी सुलाया यहाँ पर आके जो है, थोड़ा सा बच्चा ये है ना कि माहौल चेंज हो जाता है, अब इनका यहाँ पर आकर शेड्यूल चेंज हो गया है, टाइमिंग चेंज हो गई है, बिल्कुल खाने पीने की सोने की टाइमिंग चेंज हो गई है। सुबह यहाँ पर जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी उठकर फिर ये उसके बाद जैसे घर पे तो 10:30-11 बजे के करीब उठते हैं, यहाँ पर जो है ये 8:30-8 बजे उठ जाते हैं। उठने के बाद फिर शैतानियाँ करनी शुरू कर देते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पर भी सेम। हम अपने घर से 2 गद्दे लेकर आए थे, 2 पहले मम्मी के पास तो नहीं थे यहाँ पर अवेलेबल गद्दे, तो फिर कुछ गद्दे तो हमने बाहर से सोचा था लेने के लिए, लेकिन फिर कार में 2 गद्दे ये ले आए थे, 2 मम्मी के पास थे, तो फिर कुछ कम ब्लैंकेट्स वगैरह जो भी मिला हमने नीचे यहाँ पे भी छा दिया बच्चों की सेफ्टी के लिए। लेकिन फिर भी बच्चों की कितनी भी सेफ्टी रखो उनको लग ही जाती है चोट वगैरह। तो फिर अब मैं सेफ्टी के लिए जैसे मैंने आपको दिखाया हेलमेट लेके आई हूँ, अभी इसको अभी कल ही लेकर आई हूँ, जैसा यूज़ करने के बाद मुझे लगेगा तो मैं इसका अलग से ब्लॉग शेयर करूँगी, इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसा रहा बच्चे की सेफ्टी के लिए। ठीक है, बच्चे पहनने में इसको कैरी करने में थोड़ा जो है ये रो रहा था, लेकिन रोएगा, लेकिन जो है इसकी सेफ्टी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब मम्मी के घर पे आए तो और ज़्यादा घबराहट हो जाती है, बच्चे को चोट लग जाती है, तो मतलब ये बाहर निकल जाते हैं। अपने घर का माहौल अब मेरे लिए 10 दिन निकालना भी यहाँ पर 10-15 दिन जो है ना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे तो फिर
लेकिन यह है कि ना कोशिश करूँगी, क्योंकि बच्चे को हैबिट तो होनी चाहिए ना, तो फिर कोशिश करूँगी और आपके साथ रिव्यू भी शेयर करूँगी। आप सबके मैसेजेस का जवाब तो मैं देती हूँ, थोड़ा व्लॉग जो है IVF से रिलेटेड मैं नहीं बना पा रही हूँ अभी, मेरे को 3-4 दिन हुए हैं तो थोड़ा सा देखूँगी, जैसे भी जो है कंटिन्यू कर पाऊँगी इस व्लॉग को तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी जितना मैं ब्लॉग आपके साथ अपना डेली रूटीन आपके साथ टचअप में रहने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं आज ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो इतना ही था आज का। तो अभी मैं जो है नहाने का पानी अभी लाइट गई हुई है, सुबह से 2-3 घंटे हो गए लाइट गए हुए, तो अब मैं अपने नहाने का पानी इसमें गर्म कर रही हूँ। बच्चों के लिए दलिया रखा है, उनके कपड़े वगैरह अभी ड्रायर करने हैं, लाइट आएगी तो करूँगी। तो बस ये रूटीन यहाँ पर चल रही है, जैसी होगी तो IVF से रिलेटेड भी आपका कोई ना कोई ब्लॉग जो है मैं ज़रूर डालूँगी। तो अभी तो डेली रूटीन का जो है जो भी मेरे को मिल रहा है वो मैं डाल रही हूँ। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। राधे राधे।